हेलो दोस्तों वेलकम टू गेविक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टी वी एस जुपीटर वन ट्वेंटी फाइव के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव क्या हैं यानी प्रोज़ क्या है और कॉन्स क्या, क्या, क्या है अब मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है हमारे चैनल पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपने अगर नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं आ, मैंने इसे पहले टी के टेस्ट ट्रैक पर ही चलाया था जब ये लॉन्च हुई थी और अभी कुछ दिनों से मैं इसे सिटी में चला रहा हूँ और कुछ और बातें जो हैं इसकी ये आगे आई हैं तो मैं आपके साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स शेयर करूँगा इस वीडियो में सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियरफ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। अब सबसे पहला जो इसका प्रो है या पॉजिटिव है वो ये है कि यूटिलिटी के मामले में ये काफी अच्छी है अब स्कूटर हम अक्सर इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें यूटिलिटी अच्छी मिले उसमें और वहां पे जुपिटर 125 जो है ये बहुत हाई स्कोर करती है इसका जो बूट स्पेस है ये स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा है थर्टी थ्री लीटर्स का इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है एंड दैट इज़ फिनोमिनल इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है दो छोटे हेलमेट इसमें फ़िट आ जाते हैं और इस वजह से इसकी जो यूटिलिटी है ये काफ़ी अच्छी है प्लस इसका जो फुटबोर्ड है ये भी काफ़ी बड़ा है बहुत स्पेस है यहाँ पे पैर रखने के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छी जगह है और मेजरमेंट के तौर पे मैं बता दूँ कि इसमें एक गैस सिलेंडर आराम से फिट हो सकता है तो यूटिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी है प्लस आपको एक ओपन ग्लव बॉक्स भी मिलता है जहाँ पे आप फ़ोन या और कुछ सामान वाटर बॉटल वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं तो यूटिलिटी के मामले में ये बहुत ही अच्छी है सेकेंड पॉइंट ये है कि कन्वीनियंस के मामले में भी ये स्कूटर बहुत ही अच्छी है कन्वीनियंट फीचर्स जो हैं इसमें काफ़ी सारे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो बूट है उसमें एक आपको बूट लैंप मिलता है जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है रात पे भी अगर आपको सामान निकालना या रखना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है प्लस इसका जो फ्यूल फिलर कैप है ये आगे की तरफ है तो आपको फ्यूल फिल करते समय सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है और आराम से यहीं से आप आ, फ्यूल भी इसका फ़िल कर सकते हैं तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है इसे उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन लॉक है इसका आ, ये भी काफ़ी अच्छा है चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आ, चाहे आपको फ्यूल फिलर कैप खोलना है या फिर आपको सीट खोलनी है तो चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है और हैंडल लॉक भी यहीं से हो जाता है प्लस उसी के बगल में आपको एक यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट मिलता है जिससे आप फ़ोन इजीली चार्ज कर सकते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एक ओपन ग्लव बॉक्स है जहाँ पे आप फ़ोन स्टोर कर सकते हैं सो ऑन द गो यू कैन चार्ज द फ़ोन इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा इसके जो रियर ब्रेक में एक लॉक दिया हुआ है इसकी वजह से भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपने स्कूटर कोई इंक्लाइन पर तो रोका हुआ है तो ये पीछे नहीं जाती है और ये लॉक भी काफ़ी आसान है यूज़ करने के लिए एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स अलॉट तो कन्वीनियंस के मामले में ये काफ़ी अच्छी है थर्ड पॉजिटिव ये है कि ये एक बहुत ही कम्फर्टेबल स्कूटर है अब इसकी सीट अगर आप देखें तो ये सीट काफ़ी बड़े साइज़ की है लंबी भी है राइडर और प्लान दोनों इसमें काफ़ी कंफर्टेबल रह सकते हैं कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है जो कॉन्टूरिंग है जो विट है इस सीट की ये परफेक्ट है तो इस वजह से कम्फर्ट काफ़ी बढ़ जाता है प्लस इसका जो ओवरऑल सस्पेंशन है ये भी बहुत ही अच्छा है वेल बैलेंस सस्पेंशन है इसका जो रियर सस्पेंशन है ये गैस चार्ज है और अपने सेगमेंट में यानी स्कूटर सेगमेंट में पहली बार देखा गया है इस वजह से जो ओवरऑल कंफर्ट आपको मिलता है राइडिंग के समय ये इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है खास तौर से अगर आप हमारे रोड कंडीशंस की बात करें जहाँ पे कच्चे रास्ते काफ़ी मिलते हैं एंडुलेशन काफ़ी मिलते हैं वहाँ पे ये स्कूटर आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखती है सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फोर्थ पॉजिटिव ये है कि ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी अच्छा है इसमें लो एंड टॉर्क अच्छा है मिड रेंज भी इसका अच्छा है और इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप सिटी में चलाते हैं आपको बहुत ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आराम से ये एक्सीट हो जाती है और आपको जितनी पावर की ज़रूरत है सिटी में उतनी आपको इसमें हमेशा मिलती है आ, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉग पॉइंट है प्लस एक और बात कहना चाहूँगा कि इसमें आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होते हैं आप चाहे इसे स्लो स्पीड पर चलाएँ या हाई स्पीड पर चलाएँ आपको इसमें वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है तो इंजन बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड है इसका एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट मैंने इसे सेवेंटी के ऊपर भी अराउंड एट्टी किलोमीटर्स की स्पीड पर भी चलाया तो मुझे कोई भी वाइब्रेशन इसमें महसूस नहीं हुए और ये भी इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फिफ्थ पॉजिटिव ये है कि ये एक फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर है यानी इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है जब हमने इसके माइलेज को टेस्ट किया तब 60 प्लस का इसने माइलेज दिया है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है एंड इट इज़ एट पार विध मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिशन तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉग पॉइंट है इसका सिक्स पॉजिटिव यह है कि इसका जो पी है यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है इसका एक स्पीडोमीटर आपको मिलता है एनोलॉग और इसमें एक डिजिटल स्क्रीन है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्लॉक मिल जाता है ट्रिप मीटर्स दो हैं इसमें प्लस इसमें आपको इंस्टेंटेनियस फीलो इकोनॉमी और एवरेज फीलो इकोनॉमी भी पता लग जाती है और यहाँ पे इको और पावर का इंडिकेशन है कि आपको अच्छा माइलेज अगर डिराइव करना है तो आप इको मोड पे से चलाइए तो ये भी इसका एक बहुत ही स्ट्रॉग पॉइंट है कि इन्फॉर्मेशन आपको इसके आई से बहुत अच्छी मिल जाती है उसके अलावा फ्यूल सेविंग के लिए इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी दिया हुआ है अगर आपकी स्कूटर आइडल पर है आप रुके हुए हैं तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है और ब्रेक दबा के एक्सीटर ब्लिप करने से ये फिर से स्टार्ट हो जाती है तो फ्यूल सेविंग में ये भी मदद करता है अब अगर इसके कॉन्स या फिर इसके नेगेटिव की बात करें तो मुझे बहुत खास नगेटिव इसमें नज़र नहीं आए ओवरऑल ये एक बहुत ही सॉर्टेड स्कूटर है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी फॉर एग्जांपल अगर इसके लुक्स की बात करें तो ये बहुत ही प्लेन जेन लगती है बहुत ही ड्राइब लुक्स हैं इसके ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है प्लेन कंप्यूटर स्कूटर जैसे दिखता है वैसे ही ये दिखती है हाँ थोड़े क्रोम एलिमेंट्स है जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश की है टी ने लेकिन ओवरऑल जो इसका शेप है ये बहुत ही एक्साइटिंग नहीं है आ, ये एक रेगुलर कंप्यूटर स्कूटर की तरह ही लगता है तो अगर आप एक बहुत गुड लुकिंग स्कूटर चाहते हैं तो शायद आपको उसमें ये ना मिले दूसरा नेगेटिव ये है कि कुछ एरियाज़ में इसकी फिट फिनिश और अच्छी हो सकती थी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्रोम के एलिमेंट्स हैं इनके एजेस बहुत ही शार्प हैं वो थोड़े और बेटर हो सकते थे प्लस इसके अगर आप सीट को ओपन करें तो ये सीट का जो हिंज है यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लिमजी लगता है और ये सीट ऐसे डोलती है जब इसे आप ओपन करें तो तो ये थोड़ा फर्म नहीं लगता है और ये एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि इसकी लॉन्जिविटी क्या होगी और लॉन्ग टर्म यूजेज में ये कैसा परफॉर्म करेगा इसका सीट जो है ये देखने की वाली बात है लेकिन देखने में ये काफ़ी फिलिमजी लगती है तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें भी हो सकता था उसके बाद जो इसके टायर्स हैं ख़ासतौर से रियर टायर जो है ये थोड़ा और मोटा हो सकता था नाइन्टी नाइन्टी सेक्शन का टायर है अगर इसमें हंड्रेड या हंड्रेड सेक्शन का टायर होता तो ये थोड़ा और बेहतर होता वैसे टायर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा का का है लेकिन अगर पीछे का टायर थोड़ा और थिक होता तो ये एडिशनल ग्रिप में और हेल्प करता थर्ड नेगेटिव ये लगा कि इसके अंदर जो साइड स्टैंड है उसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच नहीं है यानी कि साइड स्टैंड अगर नीचे है तब भी स्कूटर स्टार्ट हो जाती है हाँ इसमें इंडिकेशन जरूर आता है इसके आईपी पे इंडिकेशन भी आता है और एक अलार्म भी बचता है जो काफ़ी इरिटेटिंग भी है आ, लेकिन इसमें इंजन कट ऑफ नहीं है तो इसे आप एक नेगेटिव कह सकते हैं बट नॉट मच ऑफ अ नेगेटिव एक और नेगेटिव यह है कि इसके टॉप एंड वेरियंट में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है जबकि कंपनी का कहना है कि ये बाद में कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बट फिलहाल आपको ये नहीं मिलेगा तो ये थे जुपीटर 125 के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं जुपीटर 125 खरीदने का तो ये बातें आपको जानना जरूरी है वैसे ये जो स्कूटर है इसमें पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं और जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव्स निकालना थोड़ा मुश्किल था लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपके लिए जानना जरूरी है तो आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको जुपीटर वन कैसी लग रही है और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए या फिर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जब भी स्कूटर चलाएं सेफली चलाएं हेलमेट जरूर पहनेंगे